वालेकुम एवरीवन. ओके गाइस, अब मैं स्टार्ट करने लगी कम्युनिटी मेडिसिन के सारे जो चैप्टर्स हैं उनका फास्ट रिव्यूज. मैक्सिमम एक या दो तो लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगी चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करूँ, तेज़ी से आगे पहुँचाऊँ, बिकॉज इसमें ज़्यादातर याद करने वाली बातें होती है, सिर्फ एक ओवरव्यू देना है ताकि आप जब चैप्टर पढ़ना हो और आपका 10 से 15 मिनट से ज़्यादा चैप्टर पढ़ने में ना लगे. ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ से. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तेज़ करूँगी, तेज़ी से चलूँगी और ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करूँगी. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में तीन कंपोनेंट्स का आपने ख्याल रखना है कि जहाँ काम किया जा रहा है और जो काम करने वाली इन्वायरमेंट है उसका क्या असर पड़ रहा है, किस चीज़ पे, उस वर्कर की जो वहाँ काम कर रहे हैं उस पे और उसकी सेहत पे. और हम ये क्यों देखेंगे, क्योंकि जो वर्कर की सेहत है वही ये मैटर करेगी कि वर्कर ठीक ठाक होगा तो उसकी एबिलिटी है जो काम करने की वो अच्छी रहेगी. तो तीन बातें आपने इसमें लिखनी है और ये डेफिनेशन आपकी पूरी हो जाती है. ठीक है, जैसे मैंने लिखी भी है कि काम करने की इन्वायरमेंट का हेल्थ ऑफ वर्कर पर क्या इफेक्ट पड़ा है, सो दैट द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क इज फाइन वे ऑफ द वर्कर. एम्स या ऑब्जेक्टिव्स आपसे कोई पूछे ऑक्यूपेशनल हेल्थ के क्या होते हैं, कि कभी कभार ये पार्ट आ जाते हैं SEQ का, तो उसे 5 P's याद रखने हैं आपने. 5 P's है क्या क्या, प्रमोशन ऑफ द वेलबींग ऑफ द हेल्थ वर्कर इन द वर्किंग एनवायरनमेंट, पहली बात उसकी सेहत का ख्याल रखना है. प्रोटेक्शन फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज जो उस जगह पर हो सकती हैं, कोई केमिकल्स या वॉट एवर है. प्रिवेंशन फ्रॉम छुट्टी डिपार्चर, ठीक है, छुट्टी वो कम से कम करे विद द हेल्प ऑफ सॉरी ड्यू टू एनी सिकनेस, उसको प्रिवेंट करना है. प्लेसिंग द वर्कर एट अप्रोप्रिएट प्लेस, उसको सही जगह पर रखना है, जिस जॉब उसके लिए फिट है उसे वही देनी है. एंड प्रॉपर अडेप्टेशन टू वर्क, उसको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी है कि वो वर्क से अडेप्ट भी हो जाए, मशीनरी और मैन के दरमियान एक ताल्लुक होना चाहिए. तो 5 P's एम्स और ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं. और अगर आपसे कोई पूछेगा फंक्शंस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है, तो इन्हीं को आपने आगे पीछे करके लिख देना है. क्योंकि ऑक्यूपेशनल हेल्थ चाहती है कि जल्दी डिजीज डिटेक्ट हो जाए, बंदे की सेहत अच्छी रहे, काम अच्छा रहे, माहौल अच्छा रहे, ये सारी बातें लिख देनी है आपने, से कोई मुश्किल बात नहीं है उसमें. अच्छा, अगली चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा आती है एर्गोनॉमिक्स की. एर्गोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये पूरी एक साइंस है बेसिकली. और साइंस क्या है, इस तरह से चीज़ों को अपनी मैनेज करना कि जो नई चीज़ें बन रही हैं, जो हमारी नई मशीनरीज बन रही हैं, जो नए काम के एरियाज बन रहे हैं, उनको हम इस तरह से बनाएं कि वो बंदे के साथ जो वहाँ काम करेगा उससे पूरे के पूरे फ्रेंडली हों, ताकि जो हैजर्ड्स होने के चांसेस हैं वहाँ पर, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स हैं, केमिकल हैजर्ड्स हैं, जो भी, वो कम से कम हो जाएं. तो अगेन एर्गोनॉमिक्स को आसान लफ्ज़ों में कहूँगी फिटिंग द जॉब फॉर मैनकाइंड. ठीक है, इस तरह से काम को डिज़ाइन किया जाए कि हर चीज़ इंसान के लिए यूज़र फ्रेंडली बन जाए और वो उसे काम करने में आसानी से आसानी और उसके लिए बेहतर से बेहतर माहौल हो. ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इंसानों के लिए आसानी करना और उनसे बेहतरीन काम ताकि वो भी अपनी कर सके. ट्रेनिंग में इसके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब हमने इंजीनियर्स, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, बहुत सारे लोग मिलकर ये पूरा एक सेटअप डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि एर्गोनॉमिक्स अच्छे से अप्लाई हो सके. और इसकी इंपॉर्टेंस भी हमने कर दी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है. सिक एब्सेंटीज्म कभी कभार डेफिनेशन आ जाती है कि आप जो लोग प्रिविलेज लेते हैं इस बात का कि हमारे पास सिक लीव है और वो सिक लीव पे चले जाते हैं लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, कोई और मसला होता है उसके लिए वो छुट्टी ले लेते हैं, उसको सिक एब्सेंटीज्म कहते हैं. हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा यूज़र फ्रेंडली माहौल बनाएं किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में कि सिक एब्सेंटीज्म के सिकनेस के बगैर लोग सिकनेस के बहाने से छुट्टी करें, ये चीज़ कम से कम हो जाए. ठीक है, तो ये चीज़ हमारी ऑब्जेक्टिव होती है किसी भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ का. अच्छा, उसके बाद हम आएंगे ऑक्यूपेशनल डिजीजेस पे. गाइस, तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू इसमें मैंने दे दी, जितनी हमारी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से क्या क्या किस किस तरह सिनेरियो में आते हैं ताकि आपका पूरा हो जाए. ठीक है, उसके बाद सिर्फ एक प्लम्बिज्म यानी लेड रह जाएगी तो मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, सबसे पहले है वी हैव ये सारी जो डिजीजें हैं ये सारी आती हैं न्यूमोकोनियोसिस में. ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीजेज में हमारे पास तीन मेन उनने लिस्ट्स दी हुई है. एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स और एक स्किन डिसऑर्डर्स. ठीक है, वो लिस्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें से सिर्फ जो याद करना है वो न्यूमोकोनियोसिस है. न्यूमोकोनियोसिस की डेफिनेशन आती होती है कि जो आप इनहेल करें कोई पार्टिकल और उसकी वजह से आपको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाए. ठीक है, विच कॉजेज फाइब्रोसिस इन योर लंग. ठीक है, तो फाइब्रोसिस का लफ्ज़ होना न्यूमोकोनियोसिस में ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ इनहेल करेंगे और इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेमेशन ऐसी हो कि वो फाइब्रोसिस कर दे, उसे न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं. डेफिनेशन आती होती है, याद करनी है. ठीक है, अच्छा, उस न्यूमोकोनियोसिस में हमारे पास 6 आते हैं डिसऑर्डर्स. ये 1, 2, 3, 4, 5 मैंने लिखे हुए और छठा होता है फार्मर्स लंग. ठीक है, बारी बारी बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिकोसिस, नाम से पता चल रहा है जो इसकी कॉज होती है वो हमेशा सिलिकॉन डाइऑक्साइड डस्ट होती है, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है आपका. और ये बहुत ज़्यादा आपका केमिकल ऐसे है कि जो आपके जाके लंग्स में हार्ड नोड्यूल्स बनाता है. ठीक है, ये बहुत फाइब्रोजेनिक मटेरियल है, बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस करवाता है और हार्ड हार्ड नोड्यूल्स बनते हैं इसकी वजह से.
जो इसका ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड वो ग्लास या पॉटरी इंडस्ट्री है, इन्हीं दो इंडस्ट्री से ये सिनेरियो में आता है। या आपको ग्लास इंडस्ट्री कहेंगे या पॉटरी इंडस्ट्री, और आप पहचानेंगे इसको इंडस्ट्री से ही। या फिर दूसरी जो इसमें पहचानने वाली चीज़ है वो है इसकी रेडियोलॉजी। आपको वो बताएंगे कि स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस ऑफ लंग्स है, लंग्स में इतना ज़्यादा फाइब्रोसिस होता है कि जैसे स्नो स्टॉर्म आ गया हो, इतने आपको ऐसे 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 उसमें डॉट्स नजर आएंगे। हाइलार एरिया में, यानी आपके जो ऊपर लंग्स का पोर्शन होता है हाइलम वाला, इस जगह ओपेसिटीज आपको मिलेंगी। और एग शेल कैल्सिफिकेशन, मतलब जिस तरह आपको लगेगा अंडे का छिलका होगा, ओपेसिटी की शक्ल इस तरह की होती है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक करेक्टरिस्टिक लफ्ज हो सकता है उसमें। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, और ग्लास या पॉटरी इंडस्ट्री होगी। साइंस और सिम्टम्स तो कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, किसी और के भी हो सकते हैं। और आपसे क्या पूछेंगे वो कि डायग्नोसिस बताएं, और उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स बताएं। प्रिवेंटिव मेजर्स सबके एक जैसे, वो मैं एंड में बताऊंगी एक ही दफा, ठीक है। आपसे यही दो बातें पूछते हैं, तो आपने याद रखनी है बातें, ठीक है। ग्लास और पॉटरी इंडस्ट्री है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है। एंथ्रोकोसिस इज रिलेटेड विद कोल डस्ट, जो कोयला है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री है, इसमें और कोई बात नहीं आती। कोल माइनिंग के नाम आएगा तो साफ साफ एंथ्रोकोसिस लिख देना है। एमसीक्यूज में आते हैं, एसीक्यू में नहीं आता होता। इसके साइंस और सिम्टम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लैक कलर का स्प्यूटम आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कफ विद स्प्यूटम होती है, और ब्लैक स्प्यूटम यानी कि स्प्यूटम जो कि ब्लैक कलर का होगा उसे मेलानोप्टोसिस कहते हैं, मेलानोप्टोसिस, ठीक है। और आपकी ब्रेथलेसनेस होती है एक्सर्शन पे, ये वैसे इतना स्पेसिफिक नहीं है, मेलानोप्टोसिस इंपॉर्टेंट है। और अगर रेडियोलॉजी में देखेंगे तो लार्ज डेंस मैसेज होती है अपर लोब्स में। बेसिकली एंथ्रोकोसिस की दो स्टेजेस हैं, एक शुरू की स्टेज है जो रिवर्सिबल होती है, और एक आती है आपकी मैसिव फाइब्रोसिस की स्टेज। तो मैसिव फाइब्रोसिस में लार्ज डेंस मैसेज होती है अपर लोब में, लेकिन आपने जो पहचानना है वो आपको बताएंगे कि बंदा जो है वो कोल माइनिंग इंडस्ट्री में काम करता था और उसको मेलानोप्टोसिस था, ये बातें याद रखने वाली, ठीक है। थर्ड इज द एस्बेस्टोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है एसीक्यू में। आपके पास एक सिलिकोसिस, एक एस्बेस्टोसिस और एक लंग और सॉरी लेड, ये तीनों बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो एस्बेस्टोसिस जो है वो एस्बेस्टोस की वजह से होता है। जो इंडस्ट्रीज इसमें आएंगी आपकी बुक में, बहुत सारी आपको मिलेंगी, लेकिन एसीक्यू में यही तीन आती हैं, ब्रिक लाइनिंग इंडस्ट्री, गास्केट इंडस्ट्री या शिपयार्ड इंडस्ट्री, ठीक है। इन्हीं तीनों में से कोई एक इंडस्ट्री आपके सिनेरियो में वो आपको देते हैं। चाहे ब्रिक लाइनिंग बहुत ज़्यादा आती है, याद रखनी है, ठीक है। ब्रिक लाइनिंग, शिपयार्ड, गास्केट एस्बेस्टोसिस कराती है, और इसकी चार स्टेजेस होती हैं। आपसे वो स्टेजेस कभी भी पूछा नहीं है उनने। बेसिकली स्टेजेस में से एक स्टेज किसी के भी वो आपको साइंस और सिम्टम्स बता देंगे, और वो मोस्ट कॉमनली बताते हैं इस थर्ड स्टेज के सिम्टम्स। स्टेजेस ऐसे हैं कि सबसे पहले वी हैव, आपको पता है ना, लंग्स को इनक्लोज कर रही है प्लूरल कैविटी, ये बात तो बात सबको पता होती है। तो जो आपके लंग्स के बाहर प्लूरल कैविटी है, सबसे शुरू की स्टेज में उसमें प्लेक्स बनने लग जाते हैं, वरना वो प्लूरल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लंग्स की आउटर कैविटी होती है और थोड़ा बहुत फ्लूड कंटेन करती है, लेकिन इसमें प्लेक्स बनने लग जाते हैं पहली स्टेज में, ठीक है। दूसरी स्टेज में प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगी, यानी कि उसमें फ्लूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक मिनट, तो इफ्यूजन में फ्लूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बेनाइन प्लूरल इफ्यूजन। थर्ड स्टेज है ना प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब इस स्टेज में इतनी ज़्यादा एस्बेस्टोसिस आगे बढ़ चुकी होती है कि आपके लंग्स में अब आहिस्ता आहिस्ता फाइब्रोसिस शुरू हो गया, और इसकी जो करेक्टरिस्टिक आपको वो बताएंगे वो कहेंगे क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। ये आपके सिनेरियो में यही लफ्ज आते हैं, याद रखने हैं कि उंगलियों की आपकी क्लबिंग हो जाती है, वो आपने अपने मेडिकल में पढ़ा होगा कि वो राउंड राउंड से फिंगर नेल्स हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो रेडियोलॉजी ऑफ लंग शो करती है वो स्ट्रीकी ओपेसिटीज, यानी आपको ऐसे स्ट्रीक्स की फॉर्म में नजर आएंगे लंग में फाइब्रोसिस हुआ हुआ, जिस तरह वहां पर था ना वो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, डॉट्स की फॉर्म में होता है, ऐसे ऐसे करके नजर आता है। यहाँ स्ट्रीक्स की फॉर्म में ओपेसिटी नजर आएगी। तो क्लबिंग एंड स्ट्रीकी ओपेसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड स्टेज में होती है। और जो मलेग्नेंट प्लूरल डिजीज है, इसमें अब आपकी जो हमारे पास लंग होते हैं ना, इसके अंदर कैंसर डेवलप होने लग जाते हैं, और उसको हम कहते हैं मीजोथीलियोमा। लेकिन आपसे वो ये वाली स्टेज में भी प्लूरल इफ्यूजन, ब्रेथलेसनेस वगैरह की आती है, ये नहीं इतना पूछते होते। बहुत हुआ तो ग्राउंड ग्लास अपेयरेंस भी साथ कह सकते हैं, एचआर आप जब करवाते हैं सीटी स्कैन तो उस पर आते हैं। लेकिन जो आपके पास आएगा सिनेरियो, उसमें वो आपको इंडस्ट्री का नाम बताते हैं और साथ क्लबिंग स्ट्रीकी ओपेसिटीज बताते हैं, या फिर अगर आपकी फोर्थ स्टेज होगी तो मीजोथीलियोमा कहेंगे। तो मीजोथीलियोमा या कैंसर इन सारी डिजीजेज में से सिर्फ एस्बेस्टोस में आ रहा है, ठीक है। एस्बेस्टोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेनी है आपने, फाइन। अच्छा, फिर है बिसिनोसिस। बिसिनोसिस बहुत सिंपल सी कॉटन फाइबर डस्ट की वजह से होती है। आपकी कॉटन फैक्ट्री या आपकी कॉटन फैक्ट्री के अलावा आपकी क्लोथ फैक्ट्री, किसी भी जैकेट फैक्ट्री, मतलब आपको स्वेटर्स की फैक्ट्री, इस नाम से भी आ सकती है और आती होती है। इस वजह से एमसीक्यू इसमें से आता है, तो आपने याद रखना है। और आपको वो फैक्ट्री का नाम बता देते हैं, आपको साफ पता चल जाएगा कि बिसिनोसिस है।
वो आपसे कोई सिम्टम साइंस का जिक्र नहीं करते, मतलब क्योंकि इसके सिम्टम साइंस जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, सिर्फ कफ डिस्निया ब्रोंकाइटिस वगैरह होता है और ये तो किसी में भी हो जाता है, तो इसलिए उस पर नहीं जाना। वो आपको बताएंगे कि बंदा जो है वो किस इंडस्ट्री में काम करता था, और याद रखना कि उसमें कॉटन कहीं ना कहीं आती होगी बीच में, या तो वो कपड़े की कोई भी इंडस्ट्री हो जाएगी, वो स्वेटर्स हो सकती हैं, वो आप कह सकते हैं सिंपल क्लोथ इंडस्ट्री कह सकते हैं, तो वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आता होता है, बिसिनोसिस भी और बेगेसोसिस भी, ये भी एमसीक्यू में आता है। बेगेसोसिस शुगर की इंडस्ट्री होगी जो सबसे ज़्यादा आती है ना आपकी कार्डबोर्ड के नाम से, ठीक है, कार्डबोर्ड इंडस्ट्री का वो नाम देते हैं, क्योंकि कार्डबोर्ड बच्चों ने पढ़ा नहीं होता तो वो शुगर केन को भूल जाते हैं, तो कार्डबोर्ड में भी शुगर केन इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वो डिजीज है वो बेगेसोसिस कराएगी, याद रखने शुगर केन और कार्डबोर्ड इन दोनों नामों से ही आती है। और इसमें भी आपके सिम्टम्स और साइंस कोई खास नहीं है, ब्रेस्टलेसनेस, कफ, ब्रोंकाइटिस है, ये तो किसी में भी हो जाता है। लंग्स में मॉटलिंग होती है, मतलब आपके लंग्स में आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने धब्बे डाल दिए, ठीक है, इस किस्म की पिक्चर होती है रेडियोलॉजी में, लेकिन फिर भी वो नॉन स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर ये बातें हो जाती हैं खत्म, अगले पार्ट में मैं करूँगी इस बाकी आधे चैप्टर करीब, अभी तो कोई मसला हुई के ना आसमी, थैंक यू।